दोस्तों आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो मैं आज आपको आगरा यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट न्यूज़ लेके आया हूँ। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक में प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई। तो विद्यालय परीक्षा, तो आप मेरा वीडियो पूरे लास्ट तक देखिए, मैं पूरी आपकी डिटेल में पढ़ने जा रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए करीब 1,60,000 छात्रों ने वेब रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि प्रवेश अभी तक करीब 45 छात्रों के ही हो चुके हैं। तो विश्वविद्यालय ने वेब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की 8 तारीख 10 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले ये 7 सितंबर निर्धारित की गई थी। विश्वविद्यालय स्तर से शैक्षिक सत्र 2021-22 में छात्रों के प्रवेश मेरिट के आधार पर लेने के लिए निर्णय लिए गए थे। अभी विश्वविद्यालय के आवासीय इकाई में संस्थान और सभी कॉलेज छात्रों में आवेदन फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं, प्रवेश नहीं लिया जा रहा है। वेब रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद ही प्रवेश में तेजी आएगी। इसके बाद कॉलेज आवेदन के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर छात्रों को प्रवेश लिए जाएंगे। अभी शहर के किसी भी बड़े कॉलेज की ओर से कोई भी पाठ्यक्रम की मेरिट सूची जारी नहीं की गई है। प्राचार्य परिषद के महामंत्री और सेंट जॉन्स कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों के आवेदन ठीक ठाक आ गए हैं। मेरिट बनाने के लिए वेब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद होने का इंतज़ार किया जा रहा है। तो आपको पता चल गया होगा तारीख इसकी 10 तारीख बढ़ दी गई है, तो यानी कल लास्ट डेट है। आप अपना अपना जल्दी से इसको डेट को अपना एक्सटेंड करिए, वो वेब रजिस्ट्रेशन कराइए। और मेरा वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिए, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए।